अच्छा टैक्सेस के बारे में बताएं कि इस पे कितना परसेंट टैक्स अप्लाई होता है। अच्छा टैक्सेस के हवाले से जो है वो आपने एक जो क्वेश्चन किया वो इंटरेस्टिंग है। इस टाइम की जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो हमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम है टैक्सेशन के हवाले से हमारा कम नॉलेज होना, जो हम लोग इतने ज़्यादा उसके लिए ना एजुकेट हैं और ना हम करते हैं, बस सिर्फ हम डरते हैं कि जी टैक्स हो गया। तो अगर मैं इसको टैक्स की आपकी बात करूँ, प्रॉब्लम टैक्स का कहाँ पर आया, जो आप ओपन लैंड्स ले रहे हैं, ओपन लैंड्स में एक FBR वैल्यू थी या एक DC वैल्यू थी, वो प्राइसेस बेसिकली उन्होंने बढ़ा दी, वो नियर टू एक्चुअल वैल्यू के वो आ गई हैं। सपोज कि अगर आपने एक प्लॉट 50 लाख रुपए का लिया, तो पहले उसका DC रेट 10 लाख रुपए था, तो आपको टैक्सेस अप्लाई होते थे 10 लाख पे, तो अब वो तकरीबन वो 40 लाख पे आ गया। ठीक है, वो अगर 50 तक उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, तो वो 40 लाख रुपीज़ के ऊपर आप टैक्स पे करें, तो हमारा माइंडसेट क्या बन गया, टैक्सेस ज़्यादा हो गए, जबकि टैक्सेस उस पर डिफरेंस आया है वो एक विद होल्डिंग टैक्स में है, और विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एडजस्टेबल टैक्स है, ना कि एक फाइनल टैक्स है। तो अब वो एडजस्टेबल टैक्स के अंदर अगर आपका वो 1-2% का डिफरेंस आया भी है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो लेकिन इसमें जो अगर मैं एज ए बिल्डर मैं आपसे बात करूं, तो जो हम बाय करते हैं एक बुकिंग पे, अगर फॉर एग्जांपल हमने एक अपार्टमेंट बुक करवाया, तो उसमें हम सिर्फ 3% टैक्स जो है वो आपने विद होल्डिंग टैक्स देना है, इसके अलावा और कोई टैक्स नहीं है। और 3% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी आपका टैक्स रिटर्न के अंदर जाके एडजस्टेबल है। करंट जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो हम लोग एक मॉडर्न हाई राइज के ऊपर आ चुके हैं, अब मॉल्स का एक ट्रेंड आ चुका है, अपार्टमेंट्स का एक कल्चर आ चुका है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें जिसका कल डिमांड ज़्यादा होगी, चाहे वो रेंटल है चाहे वो आप परचेजिंग है, तो इस चीज़ की डिमांड है, ना कि हम ओपन लैंड्स लें जिसके बायलॉज हर साल चेंज हो रहे हैं। आपको पता चलता है कि आपने प्लॉट एक लिया, उसका 50 फुट फ्रंट है, अब तो उसके सेटबैक्स जो हैं वो 25-25 फुट उसके उस एरिया के आ चुके हैं, प्लॉट आपका वैसे ही जीरो हो जाता है। आपको स्पेशल अप्रूवल लेके 10-10 फुट सेटबैक लेके भी आएंगे, तो आप उसकी वायलेशन करेंगे, फिर आप पूरी ज़िंदगी ब्लैकमेल होते रहेंगे कि मुझे पहली बात में बस अप्रूवल नहीं है, और अप्रूवल जो मुझे मिला है वो उसके मुताबिक जो है वो है नहीं है, तो आपको हाई रेज में इस तरह के रिस्क जो हैं वो आपको नहीं होंगे। आप